वाल दोस्तों, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द बेस्ट कॉफी मेकर्स इन इंडिया 2023। अब देखो, अगर आप रेस्टोरेंट टाइप की कॉफी घर पे पीना चाहते हो, लाइक 250-300 रुपए ना देके, अगर आप एक कॉफी मेकर मशीन खरीद लेते हो ना, जो कि लाइक 10 कप बाहर की कॉफी कॉस्ट करेगी, देन आप रेस्टोरेंट टाइप की कॉफी घर पे बना सकते हो। अब इन टुडेज वीडियो मैं आपको टॉप 5 बेस्ट कॉफी मशीन बताने वाला हूं। ये जो कॉफी मशीन है ना, 3000 रुपए के बजट से 10000 रुपए के बजट तक आती है। लाइक जिसका जैसा बजट वो वैसी कॉफी मशीन ले सकता है, बट मेनली आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। लाइक देखो, कॉफी मशीन ना नॉर्मली दो टाइप की आती है, ड्रिप कॉफी मशीन एंड एस्प्रेसो कॉफी मेकर्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? लाइक देखो, वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको एकदम नॉर्मली समझा देता हूँ। ड्रिप कॉफी मेकर्स जो होते हैं ना, उनमें एक फिल्टर लगा होता है जहाँ पे आपको कॉफी बीन्स डालने, देन वहाँ पर आपको थोड़ा सा गर्म पानी भर देना है। उसके बाद नीचे जो कैराफे लगा रहता है ना, जिसमें कॉफी जो होती है ना फिल्टर होके, लाइक ड्रिप होके, वो जो कैराफे होता है भर जाता है। अब उसमें आप चाहे दूध डालो या पानी डालो, किसी भी टाइप की कॉफी तुम उससे बना सकते हो। ये तो हो गई एकदम बजट वाली बातचीत। इसके अलावा बात करें एस्प्रेसो कॉफी मेकर्स की, तो वहां पर ना चीजें एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। लाइक आपको फिल्टर कॉफी पीनी है, आपको लाटे पीनी है, कैपेचिनो, जो भी कॉफी बनानी है ना, वो बन जाती है। बिकॉज वहां पर फ्रोथ जनरेटर मिल जाता है। अब फ्रोथ जनरेटर क्या होता है? बेसिकली स्टीम निकलती है वहां से, एंड फ्रोथ तो पता है ना, मेरे को भी नहीं पता था, झाग को बोलते हैं। अब यहां पर बेसिकली आप हर टाइप की कॉफी बना सकते हो। नीचे वही एक कैराफेम लगा रहता है, ऊपर की तरफ आपको एक पाइप मिलता है जहां से स्टीम निकलती है। इसी टाइप की मशीन्स को एस्प्रेसो कॉफी मेकर्स कहते हैं, और यही आपको रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलती है। अब गाइस, टॉप 5 बेस्ट कॉफी मेकर्स बताने से पहले लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा लाइक कौन सी कॉफी मशीन आपको लेनी है। देखो, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। लाइक सबसे पहली चीज है प्रेशर। जो भी आप कॉफी मशीन ले रहे हो ना, वहां पर जो उसका प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी कॉफी के टेस्ट में। मिनिमम 3 बार से लेके 15 बार तक का प्रेशर आता है। अब आपको अगर सपोज 4 से 5 बार का प्रेशर मिल जाता है ना, तो आप मान लो कि आपको रेस्टोरेंट टाइप की कॉफी मिल जाएगी घर पे, एंड 15 बार मिलता है, तो फिर आप अपने हिसाब से कॉफी को कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक आप कितनी उसकी स्ट्रेंथ रखना चाहते हो, किस टाइप की बनाना चाहते हो, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन मशीन्स में जो स्टीम जनरेटर है ना, वो बेसिकली उसका बिल्ड अच्छा होना चाहिए। लाइक जो मैंने बताई है ना, सब में स्टेनलेस स्टील का आता है। इसके अलावा कॉफी मशीन्स का बिल्ड भी अच्छा होना चाहिए। लाइक आपको केवल 10 कॉफी थोड़ी बनानी है उससे। बाकी कॉफी मेकर मशीन्स के जो फिल्टर्स है ना, वो भी स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। बाकी अनदर थिंग इज ब्रांड एंड उसके रिव्यूज, जो तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। बाकी चलिए गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को, जहां पर नंबर 5 पे आता है फिलिप्स की तरफ से आने वाला ये ड्रिप कॉफी मेकर। काफी शानदार बिल्ड आ जाता है इसका। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक कैराफेम देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली एक मग है जहां पर आपकी जो कॉफी ड्रिप होकर आएगी एंड स्टोर हो जाएगी। उसके बाद उसमें तुम दूध पानी कुछ भी मिला के पी सकते हो। बाकी इसका जो फिल्टर है ना, वो स्टेनलेस स्टील का आता है, काफी प्रीमियम बिल्ड में आ जाती है, ऑब्वियसली फिलिप्स की तरफ से आती है। बाकी नीचे की तरफ आपको एक स्विच मिल जाता है इसको ऑन करने के लिए। अब इसका जो साइज, इसमें आप लगभग 2 से 7 कप कॉफी आराम से बना सकते हो। एरोमा ट्विस्टर के साथ आती है, प्लास्टिक बॉडी है, एंड ग्लास जग भी मिल जाता है। बाकी इसकी जो कैपेसिटी है 0.6 लीटर है, और जो ब्रूइंग टाइम लेती है ना ये लाइक कॉफी को ड्रिप करने में, वो लगभग 10 मिनट का ले लेती है। बाकी इसका वेट भी काफी कम आता है, अराउंड 1.62 kg के आसपास। बाकी नीचे की तरफ आपको एंटी स्किड लैग्स मिल जाते हैं, इसमें अराउंड 700 watts की वेटेज मिलती है, एंड 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है ऑन प्रोडक्ट। ये जो ड्रिप कॉफी मेकर है ना, आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 3000। बाकी लेटेस्ट प्राइस देखने के लिए, इसको खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर सभी कॉफी मेकर्स की बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक्स दे दिए हैं मैंने। अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कॉफी मेकर की, जो कि आपको इनाल्सा की तरफ से इनकी एस्प्रेसो कैपेचिनो 4 कप कॉफी मेकर मिल जाता है। अब ये बेसिकली 3-in-1 कॉफी मेकर है, एस्प्रेसो कैपेचिनो एंड लाटे, तीनों टाइप की कॉफीज बन जाती है। इसमें आपको 4 कप की कैपेसिटी मिलती है, एंड 800 वॉट की वेटेज आती है। बाकी यहाँ पर आपको फ्रोथनिंग फंक्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ड्रिप ट्रे भी देखने को मिलती है, बोरोसिलिकेट ग्लास कैराफे मिलता है इसका, सभी का उसी टाइप का। बाकी आपको एक मल्टीपर्पज कंट्रोल नॉब मिल जाता है नीचे की तरफ। ओवरऑल ये जो कॉफी मेकर है ना, एस्प्रेसो कॉफी मेकर चाहिए आपको, कम बजट में चाहिए, काफी अच्छा काम कर जाएगा अगर आप कम बजट में लेते हो, बट प्रेशर कम आता है, 4 बार का आता है। इनाल्सा के इस कॉफी मेकर का जो प्राइस है ना, वो आपको 3800 रुपीज के आसपास मिल जाता है। लाइक 800 रुपए एक्स्ट्रा लगा के अगर तुमको एस्प्रेसो कॉफी मेकर मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको यही लेना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं यार, जो पानी वाली कॉफी पीना पसंद करते हैं, जिसको फिल्टर कॉफी बोलते हैं, वो फिलिप्स वाला ले लो। बाकी इनाल्सा का ये जो कॉफी मेकर है, इसके साथ आपको सेम 2 साल की वारंटी मिलती है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन मेरे को काफी ठीक लगा। गाइस अगला जो कॉफी मेकर है ना, ये भी एस्प्रेसो कॉफी मेकर आता है, जो कि आपको मॉर्फी रिचर्ड्स की तरफ से यूरोपा मिल जाता है।
अब ये भी आपको 800 वॉट की वेटेज पे ही देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके बिल्ड एंड लुक्स की बात करूं तो मैट ब्लैक कलर में आपको पूरा बिल्ड मिल जाता है। एक मल्टीपर्पज नॉब मिल जाता है आपको, जिससे आप फ्रोथनिंग वगैरह या फिर प्रेशर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको ड्रिप ट्रे वगैरह सब मिलता है। इसका जो मग है ना, उसकी कैपेसिटी 4 कप्स की ही आती है। लाइक आप एक बार में 4 कप इससे कॉफी बना सकते हो। बाकी गाइस, इसका ओवरऑल जो लुक है ना, मेरे को काफी ठीक लगा। यहाँ पर जो स्टीम जनरेटर है ना इसका, उसका जो लीवर है बेसिकली मेटल बिल्ड में आ जाता है। यहाँ पर आपको जो इसका प्रेशर है ना, वो 4 बार का मिलता है। तो जैसा कि मैंने कहा, लाइक इस प्रेशर में भी तुमको रेस्टोरेंट कॉफी आराम से मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ सेलेक्टर मिल जाता है। सारे इसके फिल्टर्स स्टेनलेस स्टील के ही देखने को मिलते हैं आपको। बाकी एक अलग से मिल्क फ्रोथनिंग नोजल मिल जाता है एंड नीचे की तरफ सेम रिमूवेबल ड्रिप ट्रे आ जाती है। अब इसका वेट आपको अराउंड 2.9 केजी के आसपास मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको सेम 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। इसका जो प्राइस है ना, वो आपको 4,500 रुपीज देखने को मिलता है, जो कि लाइक वर्थ इट है। आपको एक अच्छे ब्रांड की तरफ से एक अच्छा कॉफी मेकर देखने को मिल रहा है। अब अगर जिसका बजट 5,000 रुपए से नीचे था ना, वो इन तीनों में से कोई भी कॉफी मेकर ले सकता है अपनी नीड के हिसाब से। बट जिसका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, लाइक वो रेस्टोरेंट के लिए कॉफी मेकर लेना चाहता है, या फिर वो ऐसा कॉफी मेकर लेना चाहता है जो 5-7 साल तक कहीं नहीं जाए, दबा के कॉफी पी सको तुम, या जिनकी फैमिलीज बड़ी है, तो यहाँ पर नंबर 2 पे जो कॉफी मेकर आता है ये आपको मिलता है वंडरशेफ की तरफ से, इनका रगेलिया एस्प्रेसो कॉफी मेकर। ये कॉफी मेकर आपको एकदम मेटल बिल्ड में देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। अब यहाँ पर ना आपको जो प्रेशर मिलता है ना इसमें, वो 15 बार्स का देखने को मिल जाता है। लाइक जो फ्रोथनिंग होगी, जो टेस्ट होगा ना कॉफी का, लाजवाब निकल के आता है। बाकी इसमें आप तरह तरह की कॉफीज बना सकते हो, लाइक एस्प्रेसो, कैपेचिनो, लाटे, मैचिएटो। एंड यार, हम इंडियंस है, जुगाड़ करना जानते हैं। आप 500 तरह की कॉफीज बना सकते हो इसमें। अब यहाँ पर ना आपको बेसिकली स्टीमर स्पाउट देखने को मिल जाता है, जो सभी में आता है। यहाँ पर पूरा का पूरा मेटेलिक आता है। बाकी तो आपको एक स्ट्रेंथ नॉब देखने को मिल जाएगा, सामने की तरफ कुछ बटन्स मिल जाएंगे। इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो 1 लीटर की है ना, आप एक साथ 2 मग्स रख सकते हो इसमें। ड्रिप ट्रे वगैरह सब आता है। बाकी इसका बिल्ड काफी ज्यादा अच्छा आता है, सो दैट ये एक प्रोफेशनल कॉफी मेकर है। इसका जो प्राइस है ना, 9,900 रुपीज के आसपास आता है, जो कि लगभग 10,000 रुपए ही हो गए। एंड प्राइस ऐसे कम होता रहता है, 9 से 10,000 रुपए में फ्लक्चुएट करता है। आपको सेम 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। बाकी एवरी पॉसिबल कॉफी लाइक रेस्टोरेंट वाली आप घर पे इससे आराम से बना सकते हो। बेसिकली जो फ्रोथ है वो इन कॉफी मेकर्स में थोड़ा ज्यादा जनरेट होता है। नाउ गाइस, हियर कम्स द लास्ट एंड द बेस्ट वन इन माय ओपिनियन, जो कि आपको अगारो की तरफ से मिल जाता है, इनका इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफी मेकर। अब ये जो कॉफी मेकर है ना, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में देखने को मिल जाता है आपको। लाइक जो सेम रेस्टोरेंट वाला लुक होता है ना, सामने की तरफ आपको प्रेशर एंड इसके टेम्परेचर के लिए एक क्लासिक मीटर देखने को मिल जाता है। कुछ बटन्स है जिनसे आप इसको अलग अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हो। राइट साइड में वही स्टैंड नॉब मिल जाता है एंड एक आपको फ्रोथनिंग के लिए स्पाउट मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको डबल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। नीचे की तरफ वही ड्रिप ट्रे, फुल्ली स्टेनलेस स्टील बिल्ड आता है। कुछ पार्ट आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, बट जितने भी यूजेबल पार्ट्स है ना, वो सारे स्टेनलेस स्टील के आते हैं। अराउंड 1100 वॉट्स की वेटेज है इसकी, तो आपकी कॉफी को यू तैयार कर देगा। बाकी ओवरऑल इसमें तुम सभी तरह की कॉफीज बना सकते हो, एस्प्रेसो, कैपेचिनो, मजीटो, जितनी भी तरह की मार्केट में आती हैं। इसका प्राइस 9,500 रुपीज आता है, इन माय ओपिनियन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है एंड एक अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। अभी गाइस बात करूं कंक्लूजन की, तो देखो, अगर आपका बजट बहुत कम है तो इतनी महंगी कॉफी मशीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कम बजट में आप इनाल्सा, मॉर्फ्यूचर्स एंड ड्रिप कॉफी मेकर, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। हाँ, अगर आप ड्रिप कॉफी मेकर लेते हो तो उसमें आप फ्रॉड जनरेट नहीं कर पाओगे, आप नॉर्मल कॉफी पी सकते हो। एक बेस्ट टेस्ट निकल के आता है ना रेस्टोरेंट वाला, वो आपको लास्ट 2 कॉफी मेकर्स जो मैंने बताया उनमें आ जाता है। बाकी अगर बजट कम है तो 5,000 एंड 4,000 रुपए के आसपास जो आती है, उन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये थी 5 बेस्ट कॉफी मेकर मशीन्स, जो कि हम लोगों ने काफी रिसर्च करने के बाद आपको बताई हैं। बाकी गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा कॉफी मेकर तुम लोग परचेस करने वाले हो। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।